अनुरोध होगा कृपया आप भी यहाँ पर आ जाएं और बैच नंबर 16 आपसे मेरा अनुरोध। अच्छा ठीक ओके, माला पहनाकर सम्मानित करें, जोरदार ताली आप सभी की ओर से। ये सड़क ना नई बनी है तो कैसे सफेद सफेद चूना डाल दिया, ये पूरी सड़क नई बनी है अभी और इतनी जल्दी बन गई, 2 दिन के अंदर दोनों तरफ की बन गई है। ई रिक्शा आ रहा है, खाली है कि नहीं, ये तो बड़े धीमे धीमे चल रहा है भैया। खाली है भैया, बी एल एस स्कूल, चलो मैं ईशु के स्कूल जा रही हूँ। पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी गठित होगी जिसके लिए नॉमिनेट किया गया मुझे। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है संडे और आज मैं आई हूँ मीटिंग के लिए स्कूल में। ईशु का स्कूल है ना BLS बॉय, तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग है, उसमें मुझे सेलेक्ट किया गया। एक फॉर्म भरा था तब उसमें मुझे सेलेक्ट किया गया लकी ड्रॉ के थ्रू, तो आज उसकी मीटिंग है तो आज देखते हैं। पहली बार जा रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। ये ईशु का स्कूल है BLS इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर ना बहुत सुंदर है, ये पेड़ पौधे, इसकी बनावट बहुत बड़ा है। ये देखिए ये ग्राउंड है खेलने का और वो दूर वो स्टेज है। दस बजे से थी, अब 10:30 बज गए होंगे, देखो नहीं अभी तो 10:15 है, थोड़ी सी लेट हूँ मैं, ज़्यादा लेट नहीं हूँ, देखते हैं। ये कुछ ऐसे स्कूल है, यहाँ तो स्वागत के लिए भी खड़े हैं। Sayed Archana Singh, 95. One second. Sayed? 95. I'm just signed over here. 95. Archana Singh. Thank you, ma'am. अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 16 नंबर है मेरा। घर पे फोन कर दो, कह रहे थे फोन कर देना पहुंच के। About need of our education to be different, it sometimes feels as we will live. सबसे पहले बच्चों ने एक स्वागत गान प्रस्तुत किया, फिर छोटे छोटे बच्चों ने बड़े ही सुंदर से बच्चों ने डांस भी प्रस्तुत किया जो कि सरस्वती वंदना जैसा था। और अब यहाँ पर हो रहा है लकी ड्रॉ। इससे पहले पेरेंट्स के साथ कुछ गेम भी हुए थे और अब हो रहा है लकी ड्रॉ। इनमें से पेरेंट्स में से 12 लोग चुने जाएंगे, उनमें से मेरा भी नंबर है।
तो ये लकी ड्रॉ जहाँ बाउल रखे गए हैं और नाम की पर्ची रखी गई है, तो छोटे से बच्चे से वो पर्ची उठवाई जाती है और जिसका नाम आता है वो सेलेक्ट हो जाता है। यू वांट टू टेक अ म्यूचुअल डिसीजन लेटर एंड वांट टू टेल अस द नेम इन द नेक्स्ट पीटीए मीटिंग, व्हाट डू यू वांट, प्लीज टेल अस, यू वांट टू डिसाइड, यू वांट टू डू द, कैन वी हैव द गेम्स इन बिटवीन? यस, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज लेट्स स्टार्ट द गेम्स, कंटिन्यू विद द गेम्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी आ जाएं, अभिभावकों के सम्मान हेतु बैच नंबर, अनुरोध होगा कृपया आप भी यहां पर आ जाएं और बैच नंबर 16 आपसे मेरा अनुरोध। अच्छा ठीक, ओके, माला पहनाकर सम्मानित करें, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो सदस्य हैं ये पूरे 2 साल तक हमारा सहयोग। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और प्रोग्राम अब समाप्त हो गया, अब है खाने की बारी, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। खाने में मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई है आपको, जब प्लेट में रख लिया ना तब मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि क्या खाया है, ये देख लीजिए पूरी प्लेट में पूड़ी सब्जी पापड़ सलाद और रायता भी है। आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और खाना खा लिया है और एक फोटो स्टेज पर हो गया, अब एक फोटो यहाँ पर सीढ़ियों पर होगा। अभी यहाँ पर एक फ़ोटो खींचा है हमने सब ने मिलकर, जो भी पीटीए मेंबर्स हैं और टीचर्स हैं, पीटीए टीचर्स, उनका सबका फ़ोटो खींचा है। अब यहाँ पर ना सबको छोटे छोटे से पौधे दिए हैं, बड़े क्यूट से पौधे लग रहे हैं, एक मुझे भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने छोटे से पौधे को लेकर के चलते हैं अब घर। प्रोग्राम समाप्त हो गया है और अब मैं ई रिक्शा के इंतजार में हूँ, और धूप इतनी तेज है ना कि पूछो ही मत, बहुत तेज धूप पड़ रही है, इसीलिए पेड़ों की जरूरत महसूस होती है सच्ची में। अब एक ऑटो आ तो रहा है, खाली नहीं है ये, एक छोटा सा पौधा मिला है और मैं बन गई हूँ पीटीए मेंबर, बहुत खुशी हो रही है। और ये ना पीछे मेरे को लगा है, वो लगे होते हैं ना होर्डिंग, उसकी छाया में खड़ी हूँ, समझ लो छाया कितनी जरूरी है, पेड़ कितने जरूरी हैं, मेरे हाथ में पेड़ है, पेड़ जरूर लगाने चाहिए ताकि छाया मिल सके नहीं धूप से। चलो अब घर पे चल के मिलते हैं। I am selected, पता पापा को पहचानने वाला, आ जाओ। I am selected, PTA member. Well done, well done, well done. पापा के पैर छूओ, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद से। ये कार्ड मत लियो कि मैं पैर छूओ पापा को। क्या कहना? मैं तो सोच रही थी सौ मेरा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 14 सेलेक्ट करे गए थे, ये तो नॉमिनेट थे, जो हमारे पास मैसेज आया ना ये तो नॉमिनेट थे, मतलब जाना था, जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको बुलाया था, कुछ नहीं आए थे, उनमें से फिर 14 मेंबर्स सेलेक्ट करे गए हैं। आप तो 16 हो, ये तो सीट नंबर है, ये हमारा नंबर है, हमारा ये तो सबको लगा था। अच्छा, और ये स्टार है ना, फिर जब हम सिलेक्ट हो गए तब ये स्टार लगा और ये माला पहनाएगी। मैंने वीडियो भेजी तो थी, बड़ी देर में देखी मैंने, आई एम सिलेक्टेड, बहुत अच्छा लग रहा है सच्चा, बहुत थैंक यू, थैंक यू, ओह यू सिलेक्ट, मम्मी पीटीए मेंबर बन गई, एमएलए बन गई, मम्मी एमएलए, बच्चे मेरी हंसी उड़ा रहे थे, एमएलए बन गई जैसे एमएलए, अरे खुशी तो होती है ना किसी में भी सेलेक्ट हो गए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही चली गई थी, मैंने सच्ची सच्ची मानो ना मैंने तो मैसेज भी नहीं देखा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था परसों का, तो आज मैंने ऐसे ही मैंने कहा ये काय का मैसेज है, व्हाट्सएप वैसे भी मैं कम ही खोलती हूँ ना, तो मैंने देखा काय का मैसेज है, अरे ये तो उसका है, तो स्कूल में मीटिंग है पेरेंट्स पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, तो उसके लिए तो फिर 10 बजे जाना था और ये मैसेज मैंने देखा 8 बजे, तो फिर मैं नहा धो करके तैयार होकर के और तब गई, और फिर वहाँ से आके फिर घर पे आके खाना बनाया। अब ये शाम का टाइम, दूध ला करके दूध रख दिया, मैंने दूध गर्म कर रही हूँ, दोपहर खाना बनाने के बाद फिर मैंने ये वीडियो एडिट करी और अब इसका एंड करते हैं। तो उम्मीद तो करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर आप नए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल लाल जो बटन होता है ना सब्सक्राइब लिखा होता है उसको टच कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, बाय बाय।